प्रातः क्लास चल रहा था 23/9/1964 बुधवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी पतित राज्य को ही रावण राज्य कहते हैं और पावन राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। अभी हम बरोबर रावण राज्य पतित राज्य में हैं। राम राज्य और रावण राज्य तो तुम बच्चों को समझाया गया है कि बरोबर दोनों ही राज्य हाफ एंड हाफ हैं और रावण कहा ही जाता है विकार को। भी माने विपरीत और कार माना कार्य। भगवान ने श्रीमत दिए उस श्रीमत के विपरीत कार्य को ही रावण राज्य कहा जाता है। विकार कहा जाता है। रावण कोई और चीज नहीं है जिनको जलाने की बात है। तुम रावण का एफजी बनाकर फिर थोड़े ही जलाने वाले हो। ये यादगार क्यों चल रही है, है? तुम अगर संगम युग में रावण का एफजी बनाकर जलाने वाले नहीं हो तो भक्ति मार्ग में ये यादगार क्यों चल रही है। ये अभिमान को छोड़ देंगे फिर एफ जी एफ जी तो चित्र को कहा जाता है ना। रावण का चित्र बनाते हैं तो कोई तो चरित्र करने वाला है ना। तो भक्ति मार्ग में जो एफ जी बनाते हैं किसकी यादगार है। चलो पांच विकारों की यादगार है। पांच सिर रावण के परंतु वो पांच सिर भी तो चित्र है ना। कोई चरित्र करने वाले होंगे ना। तो जो चरित्र करने वाले हैं जिनके चित्र बनाए गए हैं वो संपूर्ण के बनाए गए होंगे या अपूर्ण के बनाए गए होंगे। संपूर्ण के चित्र बनाए गए हैं तो कोई तो 100% विकारी होंगे ना। तो क्या वर्तमान संगम में तुम उनकी एफजी जलाते हो। एफजी नहीं जलाते हैं। तो चरित्र करने वालों का चित्र हमारे दिल में समा जाता है और हम राम संप्रदाय के बच्चे जब तक अज्ञानी है 100% ज्ञान नहीं आया है तो उनके दिल को जलाते हैं ज्ञान बाण मार करके। बाण लगता है जिसको
उसके दिल को दुख तो होता है ना, वो जलते हैं, शरीर से जलते हैं या दिल में जलन पैदा होती है, तो उसकी यादगार है। बाकी एफ जी बनाकर थोड़े ही जलाने वाले हो, नहीं। यहाँ तो जो भी रावण की संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय है, वो सभी जल जाने वाले हैं। सभी मने कौन कौन है? अरे सभी, ये कोई गिनती होगी या नहीं होगी? नहीं। अरे कोई है इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो कामी इस्लामी है? तो भी क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले कोई तो है तो नंबर बार। तो जो भी और धर्म वाले हैं, लोभी मुस्लिम, मोही महेश को फॉलो करने वाले, और संप्रदाय जिनके हाथ में हद का और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया का राज्य है, वो सब जल जाने वाले हैं। समझा ना? बाकी कोई लड़ाई की बात नहीं रहती है कि कोई राम के बंदरों की और रावण के असुरों की लड़ाई लगी थी। बंदरों की बात नहीं है, जो राम संप्रदाय कल्प के आज में भी कलयुग के अंत में बंदर बुद्धि बन गए थे, और रावण संप्रदाय असुर बन गए थे, की लड़ाई लगी थी। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि बंदरों और असुरों की लड़ाई लगी, क्योंकि ये गाई हुई है कि रावण की और राम की, यानी आसुरी संप्रदाय की और दैवी संप्रदाय की लड़ाई लगी थी। राम को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे, अभी ऐसे तो कोई लड़ाई नहीं लगी है। समझाना पड़े कि अगर रावण जीता है तो फिर रावण का राज्य ठहरा, तो रावण जीता है या मर गया, जीता है तो जरूर ये रावण संप्रदाय ठहरे, क्योंकि रावण है पतित बनाने वाला। क्या रावण का काम क्या है? रावण संप्रदाय का काम क्या है? रुलाता तो है, लेकिन रुलाने का काम, मन दुख देने का काम कर्मेंद्रियों से करता है,
यह स्वतः ही होता है। कर्मेंद्रियों से करता है तो कर्मेंद्रियों से दिव्य कर्म करता है या असुरी कर्म करता है? कर्मेंद्रियों से दुख देना माना पतित बनाना, कर्मेंद्रियों से ही संबंध जोड़े जाते हैं। संबंध सुख के लिए होते हैं या दुख के लिए होते हैं? और कर्मेंद्रियों से अगर दुख दिया जाए, दुख देना कर्मेंद्रियों से दुखी दुख देते हैं तो वो कर्मेंद्रियां पाप कर्म करने वाली कर्मेंद्रियां तेजवान बनेगी या निस्तेज बनेगी? निस्तेज होती है। निस्तेज होने से शरित होती है, शरीर होने से शक्ति क्षीण होती है, और जब शक्ति क्षीण होती है तो दुख होता है। तो रावण खुद भी पतित बनने वाला है और संग के रंग में जिनको लाता है उनको भी पतित बनाने वाला है, और राम है पावन बनाने वाला। तो जरूर पतित भी कोई तो बनाते हैं ना। कैसे हैं? कर्मेंद्रियों से पतित कैसे बनाया जाता है? कर्मेंद्रियों से पावन कैसे बनाया जाता है? कर्मेंद्रियों से पतित बनाया जाता है असुरों के द्वारा, जिन्हें नाम दिया है दुर्योधन दुशासन। कर्मेंद्रियों से दुष्ट युद्ध करते हैं। प्यार का है, प्यार से या दुष्टता से दुशासन बनते हैं। प्यार का शासन या दुष्टता का शासन, जोर जबरदस्ती को ही दुष्टता कहा जाता है। तो तुम जानते हो कि बरोबर ये रावण जो सर्वव्यापी है, पांच विकार जो सर्वव्यापी हैं, उनको ही रावण कहा जाता है। अगर कोई कहे कि हाँ मेरे में तो ईश्वर विराजमान है, कहते हैं ना शिवो अहम्, तो तुम ये समझ सकते हो कि जिसमें ईश्वर विराजमान होगा वो ईश्वर कौन सा संप्रदाय बनावेगा? हैं? कौन सा संप्रदाय? राम संप्रदाय बनावेगा, क्योंकि राम में ही प्रवेश होकर ईश्वर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। कैसे? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, निराकारी बाप आत्माओं का बाप है, और साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप राम बाप है, और वो राम बाप कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला है।
उसमें बच्चा सारी सृष्टि का पहला पत्ता है। पहला पत्ता है वो नई सृष्टि का पहला देवता है। तो पहले पहले देव आत्मा को जन्म देने वाला इस देव आत्मा की पहले पहले पूजा होती है। इसकी जब पूजा करने जाते हैं कोई भी अनुष्ठान होता है तो पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश की पूजा करते हैं। गण माने समूह, देवगण देवताओं के गण का समूह, और समूह का मुखिया जिसमें ईश्वर विराजमान होता है से दैवी संप्रदाय तैयार होता है। तो उनको आसुरी संप्रदाय तो नहीं कह सकते, उनको जिसमें ईश्वर विराजमान होता है उसको रावण संप्रदाय नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते है? क्यों? तो राम रावण नहीं बनता है क्या है? बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। जिसे शिव बाबा कहा वो 5000 वर्ष में इस सृष्टि पर कायम रहता है या नहीं रहता है? कायम रहता है। तो किस आत्मा में कायम रहता है? सीता नहीं, राम एक है या दो है? एक है। एक होने पर भी प्रवृत्ति मार्ग वाला है या निवृत्ति मार्ग वाला है? प्रवृत्ति वाला है। माना आदि में भी विष्णु है, षष्ठ के आदि में स्वर्णिम संगम युग में विष्णु का राज्य होता है या नहीं होता है? होता है। तो जो आदि में तो अंत में कलयुग के अंत में भी वो विष्णु स्वरूप होता है। इसलिए सृष्टि पर सदा कायम है। बाकी वो फिर रावण कब बनता है? वापस से वो रावण बनता है। सृष्टि के आदि में भी विष्णु था 1976 में। राम बाप प्रत्यक्ष हुआ, किसने प्रत्यक्ष किया है? किसने प्रत्यक्ष किया? तो विदेशी तो निमित्त बने, लेकिन बाबा की वाणी से प्रत्यक्ष हुआ ना। तो शुभ है, शिव सोल है, सुप्रीम सोल, और सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप। बच्चे को प्रत्यक्ष करता है और बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करता है। त्रिमूर्ति शिव का आ जाता है, देव देव महादेव कहा जाता है। तो तीनों देवताओं में बड़ा बच्चा कौन? महादेव। और जो बड़ा बच्चा है
वो बाप समान कहा जाता है। इसलिए आज भी भारतीय परंपरा में हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि राजाओं ने अपनी राजाई कौन से बच्चे को दी, बड़े बच्चे को दी। ये परंपरा कब से शुरू हुई है? संगम युग से ये परंपरा शुरू हुई। कर्म ऐसी परंपरा डालने का ये कर्म किसने शुरू किया? शिव बाप ने शुरू किया। जो गीता में आया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं जो दिव्य कर्म करता हूँ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जैसे कर्म करेगा, देवी तर आत्मा है उसी को फॉलो करती है। तो भगवान ने आकर के इस सृष्टि में जो बड़ा बच्चा है, मनुष्य सृष्टि में, उसको आकर के विश्व का मालिक बनाता है। तो ये परंपरा चली आई है भारत में। पहले दैवी संप्रदाय, फिर रावण संप्रदाय। इन बातों को कैसे समझावे? तुम बच्चों ने आगे दशहरे में चित्र तो निकाले थे, ये निकाले थे कि भाई ये है रावण संप्रदाय। कौन ये माने? किस तरफ इशारा किया चित्र में है? अरे रावण का चित्र दस सिर वाला बनाया, उसकी तरफ इशारा किया, ये सिर है रावण संप्रदाय और ये है राम संप्रदाय। तो रावण संप्रदाय की संख्या ज्यादा या राम संप्रदाय की संख्या ज्यादा? रावण संप्रदाय की संख्या ज्यादा है। और रावण को अनेक सिर दिखाए हैं और राम को एक सिर दिखाया है, इसका क्या मतलब हुआ? अनेकों को फॉलो करने वाले रावण संप्रदाय, अनेकों की मत पर चलने वाले रावण संप्रदाय, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक की मत पर चलने वाले राम संप्रदाय। तो उनकी तिथि तारीख भी लिखनी पड़ी। रावण संप्रदाय की शुरुआत कहाँ से और राम संप्रदाय की शुरुआत कहाँ से है? सृष्टि की आदि में जब नई सृष्टि की शुरुआत हुई, दैवी सृष्टि की शुरुआत हुई, तो राम संप्रदाय का संबंध है एक एक एक। ढाई हजार वर्ष के बाद रावण संप्रदाय का संबंध शुरू होता है। आधा आधा है, ढाई हजार वर्ष है राम संप्रदाय और ढाई हजार वर्ष है रावण संप्रदाय। 2364 की वाणी का तीसरा पी, ये रावण संप्रदाय अभी तक भी है। क्या कहा? दुनिया में अभी सब के सब क्या है? हैं? रावण संप्रदाय है। उन सब में राम भी है या नहीं है? रावण संप्रदाय है। क्यों? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब रावण संप्रदाय अभी तक हैं, तो उनके बीच में राम है या नहीं है? तो वो कौन सा संप्रदाय है? हैं? क्यों?
अभी दैवी संप्रदाय की शुरुआत हो गई। मुरली में तो बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान रावण संप्रदाय से सतो प्रधान राम संप्रदाय बनने में 40 वर्ष लगते हैं। कब से? वो 76 से वो 40 वर्ष पूरे हो गए क्या है? तो राम वाली आत्मा को भी कौन सा संप्रदाय कहेंगे है? रावण संप्रदाय कहेंगे। रावण के राज्य में है या राम के राज्य में है? रावण के राज्य में है। फिर भी ईश्वर व्यापी है या नहीं है? ईश्वर एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? अगर ईश्वर एक राम में व्यापी है तो राम को रावण संप्रदाय कहें हैं? क्यों नहीं कहें? मैं पतित दुनिया में आता हूँ या पावन दुनिया में आता हूँ? पतित में आता हूँ ना, तो जब पतित में आता हूँ तो पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? पहले पतित था मगर आने के बाद तो पावन बन गया। पहले कब पतित था? हाँ बोल बोल। सृष्टि के आदि में पावन था वो, ठीक है। वो तो सभी पावन थे देवताएं, 10 करोड़ देवताएं पावन ही थे, एक राम की बात नहीं। हाँ फिर अरे क्या हुआ, बोलते बोलते रुक गए? पूरा बोल दो बाबा। बोलने में तो बताया 76 से 40 से 50 साल लगता है उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो अभी तमो प्रधान ही हुआ ना? तमो प्रधान ही है तो रावण संप्रदाय में है, पतित दुनिया में है, पतित के राज्य में है या राम के राज्य में है? पतितों के राज्य में है। तो बाबा भी कहते हैं मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बंधन में जो बांधा हुआ है और बंधन मुक्त है तो कौन श्रेष्ठ है? जो बंधन मुक्त है वही श्रेष्ठ है। तो जो विश्व का मालिक बने तो बंधन मुक्त हुआ या बंधन युक्त हुआ? मुक्त हुआ। अभी तो विश्व का मालिक नहीं है, तो ये रावण संप्रदाय अभी तलक भी है, क्योंकि हर एक मनुष्य में जो 5 विकार हैं वो ही रावण है। चलो राम वाली आत्मा में भी रावण के 10 सिरों के ऊपर जो देह अभिमान रूपी गधे का चित्र है, तो राम वाली आत्मा में प्रवेश होता है या नहीं होता है? होता है ना है? तो 5 विकारों का बाप तो उसमें प्रवेश है। तो रावण है या नहीं है? और ऐसी जो भी संप्रदाय है उनका ही विनाश होता है। क्या था? जिनमें जिनमें देह अभिमान है, काम विकार है, क्रोध विकार है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, उनका विनाश होता है, उनको ही पतित कहा जाता है। पतित माने है चरित होना, उनको पतित कहा जाता है माना चरित होना।
शक्ति क्षरित होती है और शक्ति क्षरित होती है तो पावन तो नहीं कह सकते। शंकर देवता जिसकी पूजा होती है वो पावन की पूजा होती है या पतित की पूजा होती है? पावन की पूजा होती है, माना दृष्टि भी क्षरित न हो, वृत्ति भी क्षरित न हो, वाचा से भी वाक्य न निकले, दुख देने वाला वाक्य न निकले, क्षरित न हो, और कर्मेंद्रियों से भी क्षरित न हो। तो राम वाली आत्मा भी अभी क्षरित है या अक्षर है? क्षरित ही कहेंगे। जब क्षरित होना बंद हो जाए तो क्या अंतर पड़ेगा? अंतर ये पड़ेगा कि अभी जो देह अभिमान रूपी बैल है, गधा है, वो उसमें प्रवेश करता है, ईश्वर भी प्रवेश करता है, फिर क्या होगा? फिर बैल पर शंकर सवार करेगा या बैल ही शंकर पर सवार बना रहेगा? बैल पर शंकर सवार हो जाएगा। तो तुम जानते हो कि बरोबर आते भी हैं कि पतित को विनाश करो, कौन आते हैं? शिव बाप आते हैं और पावन की स्थापना करो। क्या एक ही शरीर, उस शरीर में तीनों प्रकार की आत्माएं हैं, एक आत्माएं होती हैं क्षर, क्षर माना आदि से अंत तक सृष्टि में क्षरित होने का पाठ बजाती है। जब से परम धाम से उतरेंगी सृष्टि के अंत तक ऐसा पाठ बजाएंगी, क्षरित होने का ही पाठ बजाती है। और दूसरी ऐसी होती है जो अक्षर है, मना जिनकी आत्मा सृष्टि के आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक भी अक्षर, अर्थात नीचे गिरने का पाठ नहीं बजाती है, क्षरित होने का पाठ नहीं बजाती है, आज से अंत तक सूर्यवंश में पक्के रहते हैं और धर्म में कन्वर्ट होकर के नीचे नहीं गिरते हैं। परंतु माया किसी को छोड़ती है क्या? जब संगम शुरू होता है तो राम और रावण की लड़ाई शुरू होती है। माया और ईश्वर की लड़ाई शुरू होती है। तो माया और ही तीखा रूप पकड़ती है या साधारण कलयुग के अंत तक अंतिम जन्म में जैसा रूप धारण करती थी वैसा ही रूप धारण करती है और ही विकराल रूप धारण करती है। ऐसे टाइम पर जो आत्माएं आज से अंत तक शिव बाबा की सहयोगी है, अष्टमूर्तियां कही जाती है, वो भी क्षरित हो जाती है, दूसरे धर्म में
माया उनको कन्वर्ट कर लेती है। एक आत्मा है, फिर भी क्षरित नहीं होती। अंत तक व्ययम व पातयामि कार्यम व साधयामि। धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। भले ऐसी स्थिति आ जाए जैसे यज्ञ के आज में हुई थी, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ, तीसरी आत्मा अक्षर आत्माओं में उत्तम कही गई है। इन तीनों प्रकार की आत्माओं का गायन गीता शास्त्र में है। क्षर अक्षर और अक्षर में भी उत्तम पार्ट बजाने वाली तो बताया कि तुम बाप को बुलाते ही हो कि आ करके पतित का विनाश करो। तो राम वाली आत्मा में वो अक्षर आता है और जिसमें आता है उसमें दो और आत्माएं काम करती है। कौन कौन? एक राम वाली आत्मा अक्षर है और दूसरी चरित्र होने वाली आत्मा। सच्ची रूपी रंगमंच पर आते ही चरित्र होने लगती। जन्म लिया राधा कृष्ण साथ साथ जन्म लेते हैं या देर में अंतर से जन्म लेते हैं? साथ साथ जन्म लेते हैं। जैसे गाय का बछड़ा जन्म लेता है तुरंत उछलने कूदने लगता है, ऐसे ही सतयुग में जो संतानें पैदा होती है वो तुरंत बड़ी हो जाती है और वो एक दूसरे को दृष्टि से देखती है या नहीं देखती है? दृष्टि का सुख लेती है या नहीं लेती है? लेती है। तो सुख भोगने से आत्मा नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? कुछ न कुछ उसी समय से कलाएं कम होती रहती है। बाकी उनको जो जन्म देने वाले हैं वो दृष्टि से भी सुख नहीं लेते हैं। जैसा लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया गया है, लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि का सुख ले रहे हैं या वो भी नहीं ले रहे हैं? सिर्फ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन से क्षरित होने की बात नहीं। इंद्रियां इस सृष्टि में बनती हैं, पांच तत्वों से बनती हैं। ये पांच तत्व क्षरित होने वाले हैं या अक्षर हैं? क्षरित होने वाले हैं। उनमें चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रियों से क्षरण कम होगा और कर्म इंद्रियों से क्षरण जास्ती तीव्र गति से होता है, लेकिन क्षरित तो दोनों होते ही हैं। तो बताया कि एक ही शख्सियत में एक ही पर्सनालिटी में तीन आत्माएं काम करती हैं। एक पतितों को पावन बनाने वाला शिव और बाकी दो
तुम्हें एक राम वाली आत्मा और दूसरी है कृष्ण वाली आत्मा, तो कौन स्थापना करने के निमित्त बनती है और किसका विनाश होता है संगम युग में है? है? राम वाली आत्मा स्वर्णिम संगम युग में स्थापना के निमित्त बन जाती है साकार शरीर से, और कृष्ण वाली आत्मा सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर में भी कर्मेंद्रियां होती हैं या नहीं होती हैं? होती है। तो पतित को विनाश और पावन को स्थापना करने का काम आत्माओं के बाप का है। तो देखो तुम अभी पावन बन रहे हो, कौन कौन पावन बन रहे हो तुम? किससे कहा जाता है? सामने वाले से कहा जाता है तुम पावन बन रहे हो, और जानते हो कि बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पावन भी कब बनेंगे? कब मालूम पड़ेगा कि तुम सभी पावन बन गए? तुम एक की बात नहीं, तुम सभी पावन बन गए। जब तुम पावन बन जाएंगे तब फिर ये जो रावण संप्रदाय है उनको आग लगेगी। क्या कब होगा ऐसा है? एक के एक अकेला चना बाढ़ फोड़ लेगा, सारे रावण संप्रदाय को आग लगना शुरू हो जाएगी। पीछे शतयुग में तो कोई ये बिजी नहीं बनाएंगे, वहां तो रावण संप्रदाय होती ही नहीं है, तो वहां उनकी एक भी नहीं बनानी पड़ेगी। पीछे तो सभी पावन हो जाएंगे, तो कौन पावन होंगे? हैं? हाँ, जो बाप के सामने आकर पढ़ेंगे, दो अक्षर भी सुनेंगे बाप के सामने आकर, जो सुनेंगे जो देखेंगे उनके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। वो सन्मुख वाले पावन बनेंगे, जरूर कहेंगे कि आत्मा पावन होती है। क्या कहा? तो क्या बन जाएंगे? उनमें देहबान रहेगा या नहीं रहेगा? उनका देहबान कलाश हो जाएगा बाप की याद से, और पावन आत्मा बन जाएंगे। तो पावन आत्मा बननी है क्योंकि पतित है, इसको कहा जाता है कि गुरु बजी जो आत्मा है उसमें जो ताकत सतो प्रधान की थी, यानी जागती ज्योति थी, पतित बनने से फिर वो ज्योति उजानी हो गई है। अर्थात आत्मा ऐसी चीज नहीं है, ज्योति वगैरह ये समझने की बात है, कोई आंखों से देखने वाली ज्योति नहीं है, है? आंखों से देखने वाली चीज है ज्योति, कि सितारा उड़ गया शरीर को छोड़ करके नहीं, समझने में आता है। तो जब तक जिंदा है तो आंखों में ज्योति है,
शरीर छोड़ देती है आत्मा तो आंखों में ज्योति रहती है, आंखें बटन जैसी हो जाती है, बाकी ज्योति दिखाई देने वाली चीज नहीं है। तो ये समझने की बात है कि मैं आत्मा अभी पतित बन गया हूँ, मेरे में अभी उड़ने की ताकत नहीं है। क्या कहा, पतित आत्मा और पावन आत्मा की पहचान क्या बताई? पावन आत्मा एक सेकंड में साकारी से निराकारी स्टेज में चली जाएगी, और पतित आत्मा है उसमें ज्ञान योग के पंख इतने पावरफुल नहीं है जो एक सेकंड में ऊंची उड़ सके, क्योंकि पांच विकारों से ये आत्मा आयरन एज्ड हो गई। ज्योति आदि की बहुत बातें समझाने से मनुष्य मुझ पड़ती है, क्या ये आत्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योति ज्योति में समा गई, ऐसे समझाते हैं ना आत्मा के लिए। तो ऐसे समझाने से लोग मुझ गए हैं, ये उनको ये जरूर समझाना है कि आत्मा को जागृत करने वाला कौन है। आत्मा को जागृत करने वाला दीपावली मनाते हैं, है मनाते हैं, तो दीपावली जब मनाते हैं तो सारे दीपक एक साथ जल उठते हैं, तो कोई दीपक तो पहले जलता है, कौन सा है? धर्मराज का दीपक कहते हैं पहले जलाया जाता है, धर्म का राजा। तो ये सभी कहते हैं कि बरोबर ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा आएंगे, ज्योति स्वरूप तो तुम भी हो और परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, क्योंकि बच्चे ही तुम उनके हो। इनके इनके नहीं, इनके ब्रह्मा के बच्चे नहीं हो, है ब्रह्मा तो चंद्रमा है, तुम कोई चंद्रवंशी संप्रदाय नहीं हो, तुम तो सूर्यवंशी हो। तो तुम्हारी ज्योति जो ताकत है वो अभी जैसे कि उधियानी हुई है, क्योंकि उसमें संग के रंग से पांच विकारों की खाद पड़ गई है। बाकी जा करके एकदम जरी जैसी फिर दृष्टांत देते हैं, जब मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन तक दीवा जलाते हैं, उनकी बड़ी संभाल करते हैं कि दीवा बुझ न जाए, लगातार घृत डालते हैं। जानते हो कि बरोबर घी डालने से बहुत अच्छा जलता है, तो कौन सा घृत है? याद का घृत है, मंदा होकर बाकी उजान की तरफ होते हैं जो फिर जा करके घी डालते हैं, ऐसे होते हैं ना। ये आत्मा की भी ऐसे ही है, बाप अभी आकर के ये ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। कहते हैं ना, बाबा ने तुम्हारी ज्ञान से ज्योति जगाई, ये जगी हुई ज्योति कितना कितना समय चलती है। वो तो सुबह को जगते हैं जगाते हैं, फिर भी एक दो दफा घी डालते हैं। नहीं तो
रात को जगाते हैं, जब मरते हैं तो वो सारा दिन जगाते रहते हैं। तो अभी तुम ये जानते हो कि अभी तुम्हारी ज्योति जग रही है, जगते जगते फूल जग जाएगी, फिर उस ज्योति को बुझने में तुमको 5000 वर्ष लग जाते हैं। क्या कहा है? 5000 वर्ष पूरे लग जाते हैं, जबकि फिर बाप आए करके तुम्हारे में ज्ञान का घट डालते हैं। समझा? अभी तुम हर एक जीवात्मा की ज्योति जग रही है। अच्छा, फिर ये ज्योति उजाने में यानी बहुत कम आ जाएगी, जब ज्ञान घट डाले फिर उनको 5000 वर्ष लग जाते हैं, तो फिर ज्योति उजाती जाती है, कलाएं कमती होती जाती हैं, क्योंकि एक जन्म पास्ट हुआ थोड़ी कला कम हुई, तो बहुत थोड़ी थोड़ी कला ऐसे कमती होती जाती है। तुम जानते हो ये भी हमारी ज्योति जगती है। फिर यहाँ भारत में सतयुग में घर घर में सूझरा होगा, कौन से देश में घर घर में सूझरा होगा? भारत के घर घर में सूझरा होगा, भारत की बात है ना, इसकी बात है, है? घर घर में सूझरा होना ये किसकी खास बात है? भारत माना भा माने ज्ञान की रोशनी, और रत माना लगातार रत रहने वाला, लगा रहने वाला, ऐसा जो भारत है, जो भी घर घर है, उस भारत में जो भी वास करते हैं दिल और दिमाग से, उन सब घरों में सोजरा हो जाएगा। तो दीपावली भी भारत में मनाई जाती है, कोई विदेश में दीपावली नहीं मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि विदेशी है, उनमें जिनका दिल दिमाग धरा रहता है, उन चैतन्य घरों में दीपावली नहीं मनाई जाती है विदेशों में, भारत में मनाई जाती है। तुम जानते हो कि अभी तो घर घर में अंधियारा है, माना स्थूल घरों की बात है या दिल और दिमाग रूपी घरों की बात है? खुशियां तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल खुशी तो सतयुग में होती है, हरेक के दिल और दिमाग में खुशी होती है, कलह युग में तो खुशी होती ही नहीं है। तो तुम जानते हो कि हम खुशी से सतयुग में लेकर के त्रेता तक बहुत खुशी मनाते हैं, क्योंकि ज्योति बहुत अच्छी जगी हुई है। सतयुग त्रेता युग दो युगों में बहुत थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। फिर जब रावण राज्य आता है तब तो जल्दी जल्दी कम होते होते इस समय में जैसे उदयानी हो पड़ती है, यानी 5 विकारों की खाद पड़ जाती है। कहां से? द्वापर युग से। वो तो समय है, जो खाद डालने वाले कोई तो हैं, कि कोई तो हैं जिनका संग का रंग लगता है। किनके संग का रंग लगता है?
जो खाद पड़ने से ज्योति उजियानी होने लगती है, हैं? कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि। अब ये तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ गया। अच्छा, तो फिर बाप आकर के तुम्हारी आत्मा में ज्ञान का घृत डालते हैं। इस ज्ञान के घृत को याद का घृत भी कहा जाता है, परंतु अपन तो नॉलेज ही कहेंगे कि बाप आकर के हमको फिर से जाति ज्योति जगाते बनाते हैं। तो फिर अब हमारी ज्ञान की चक्षु खुल जाती है। तो देखो कितनी तुम्हारी ज्ञान की चक्षु खुल गई है कि बरोबर हम जो हमारी सारी कला काया खलास हो गई, अर्थात राहु का ग्रहण लग गया, तो हम बिल्कुल काले बन गए। राहु का ग्रहण यहाँ तो घड़ियां दिखलाते हैं कि फलानी घड़ी से राहु का ग्रहण शुरू हुआ और फलानी घड़ी में रावण का राहु का ग्रहण खत्म होता है, बंद होगा। तो तुम्हारा जो ये राहु का माया का काला होने का ग्रहण है, इसी को कहा जाता है राहु का ग्रहण। क्या कहा? राहु आता है तो क्या करता है, है? चंद्रमा को ही काला करता है या सूर्य को भी काला कर देता है, है? ऐसे नहीं कि चंद्रमा का ही मुंह काला होता है, सूर्य का भी मुंह काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है कि हो जाता है काला, हो जाता है। कोई दूसरा रंग नहीं दिखाती है, काला। तो तुम जानते हो कि तुमको काला होने में कितना समय लगता है, है? कितना समय तुमको काला होने में? 2500 वर्ष लगता है। 2500 साल पहले गोरे थे या काले थे? गोरे थे।